धुनी वाले दादाजी की नगरी में 2 साल बाद कोरोना संक्रमण की बंदिशों को छोड़कर गुरु पूर्णिमा पर्व मनेगा। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं 12 जुलाई की रात तक देश भर से 4 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जुटेंगे। इस मौके पर जगह जगह भंडारे आयोजित किए जाएंगे। इनमें 56 से ज़्यादा पकवान बनाए जाएंगे। वहीं श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए 22 धर्मशालाओं में फ्री व्यवस्था रहेगी। साथ ही खंडवा में 12 और 13 जुलाई को मुख्य बाजार की दुकानें खुलेंगी, लेकिन व्यापार नहीं होगा। इन दुकानों के बाहर भंडारे लगाए जाएंगे। बाहर से आने वालों के लिए ऑटो की सुविधा भी फ्री होगी। वहीं इधर आयोजन को लेकर मंदिर ट्रस्ट प्रशासन की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन के लिए वाटरप्रूफ टेंट, प्रसादी वितरण आदि की व्यवस्था की गई है।